के बीच बड़ी खबर आपको बता रहे हैं भानु प्रतापपुर से, जहां रेलवे प्रभावित किसानों का रेल रोको आंदोलन शुरू हो गया है। आंदोलन को लेकर प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती है। पिछले 10 वर्षों से नौकरी की मांग कर रहे हैं किसान। नौकरी के इंतजार में 175 किसान भिलाई स्टील प्लांट और रेलवे ने नौकरी देने का वादा किया था और उसी वादे को याद दिलाने के तहत ये आंदोलन फिर से शुरू किया गया है। तो नौकरी की मांग को लेकर रेल रोको आंदोलन शुरू हो गया है। आंदोलन को लेकर प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। पिछले 10 वर्षों से नौकरी की मांग कर रहे हैं ये किसान। तो रेलवे प्रभावित किसानों का आंदोलन, नौकरी की मांग को लेकर रेल रोको आंदोलन शुरू किया गया है। आंदोलन को लेकर प्रशासन मुस्तैद है। पिछले 10 वर्षों से नौकरी की मांग कर रहे हैं ये किसान। भिलाई स्टील प्लांट ने नौकरी देने का वादा किया था और वो वादा एक बार फिर याद दिलाने की कोशिश इन किसानों द्वारा की जा रही है। और ज्यादा जानकारी के साथ स्वराज संवाददाता राजकुमार दुबे फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। राजकुमार, आंदोलन छेड़ तो दिया है किसानों ने, कितनी संख्या में किसान नजर आ रहे हैं और आगामी वक्त में क्या चेतावनी देते नजर आ रहे हैं? आपको बता दें कि 2009 में रावघाट रेलवे परियोजना के लिए किसानों की भूमि आवंटित की गई थी। इसके बदले सरकार ने और रेलवे ने कहा था कि उनको नौकरी दी जाएगी, पर 175 किसान आज भी नौकरी के इंतजार में बैठे हुए हैं। शासन इन पर कोई ध्यान नहीं दे रही है। इसके फलस्वरूप 2 साल पहले भी रेल रोको आंदोलन किया गया था, इसके बाद आज फिर से रेल रोको आंदोलन किसानों के द्वारा किया जा रहा है। बड़ी संख्या में किसान सुबह से पहुंच गए हैं। जिला प्रशासन ने भी पुलिस और भारी संख्या में तैनात कर दिए गए किसी असली हालात से निपटने के लिए। जी चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए राजकुमार।